गाजियाबाद से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। अमित शाह का आज डोर टू डोर कैंपेन, जनसंपर्क और काफी बड़ा कार्यक्रम रहने वाला है, मिनट टू मिनट उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए, क्या मुझसे पूछ रही हैं? जी जतिन, मैं आपका रुख करना चाह रही हूँ, आज अमित शाह का कार्यक्रम कहाँ कहाँ रहने वाला है, किस तरह से वो जनसंपर्क करेंगे, सभी से बात करेंगे, क्या कुछ उनका कार्यक्रम, थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, बुलंदशहर और गाजियाबाद में प्रोग्राम है, गाजियाबाद के लोनी में प्रोग्राम है और ज्यादातर जो फोकस है वो विलेज एरिया में है। आप जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसका चुनाव काफी दिलचस्प हो चुका है, पहले चरण में ये चुनाव है और पश्चिमी यूपी हर पार्टी के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ की जो सीटें हैं वो प्रभावित करते हैं पूरे प्रदेश को। तो ऐसे में हर कोई चाहता है कि एक बड़ी जीत जो है, हर पार्टी चाहती है कि उसकी यहाँ पर हो। तो पार्टियों के दिग्गज लगातार पहुंच रहे हैं, उसी में अमित शाह पहुंच रहे हैं, लगातार बीजेपी के लिए वो प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोनी के गढ़ी कटैया गाँव में वो जाएंगे जहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। इसके अलावा अगर और बात करें तो किसान और जाट समाज को जो है साधने की कोशिश लगातार बीजेपी कर रही है। हम देख रहे हैं कि किसान आंदोलन के बाद कहा जा रहा था कि किसान जो है बीजेपी से नाराज हैं, उधर जाट समाज नाराज है ये कहा जा रहा था, लेकिन अमित शाह ने खुद जाट समाज के लोगों से मीटिंग करके उनको समझाने की कोशिश की थी और फिर ये कहा था कि जाट समाज नाराज नहीं है, लेकिन गांव-गांव जाकर वो इस पूरी बात को ये कहें कि जो जाट समाज है उनकी नाराजगी अगर है भी, कुछ बची भी हुई है तो उसको दूर कर लेना चाहते हैं और निश्चित है बड़े नेता, दिग्गज नेता जब पहुंच रहे हैं तो ताकत की आजमाइश भी निश्चित तौर पर पार्टियां उसके लिहाज से कर रही हैं। जी जी बिल्कुल जतिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।